तीन बार जरूर धो ले, चावल में केमिकल डाले होते हैं ताकि उसकी उसमें कीड़े ना लगे, कोई किसी प्रकार का ज़्यादा देर तक टिक पाए इसीलिए। और थोड़ी देर हो सके तो चावल को भिगो दें। पक रहा है यहाँ पकान, ये पकवान पक रहा है, दाल डालेंगे, दाल अगर आप होटल में काम करने आ रहे हैं या कर रहे हैं तो दाल और सब्जी से समझौता करना पड़ेगा। आपको यही मिलने वाली है हिंदुस्तान में, दाल और सब्जी, आलू प्याज टमाटर दाल सब्जी।
मात्र मैंने दो प्याज डाले हुए हैं, बस दो प्याज और दो छोटे छोटे टमाटर। बहुत ज्यादा प्याज डालने से, टमाटर डालने से, तेल डालने से, देसी घी डालने से है ना, दाल सब्जी में टेस्ट नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। दाल को, सब्जी को टेस्ट बनाने के लिए आपकी हमारी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखनी पड़ेगी है ना। आप जब आपका आप कभी बीमार अवस्था में नहीं होना चाहिए, एकदम आप रहना चाहिए है ना। आप किसी चीज़ से आप पीड़ित ना हो, ऐसी अवस्था में अगर खाना बनाते आप, आपके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, अगर ऐसी अवस्था में आप खाना बनाते हैं तो और नमक नमक की मात्रा है बिल्कुल सही होना चाहिए। हल्का थोड़ा तेल, थोड़ा नमक, हल्दी, मिर्ची और जो इंडियन मसाले थोड़े थोड़े होते हैं और जीरा इतना हो तो बस है। दाल सब्जी बहुत बढ़िया बनता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अधिक टमाटर डालने से, प्याज डालने से, बहुत ज़्यादा देसी घी डालने से और बहुत ज़्यादा मसाले डालने से खाना बढ़िया बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीमी आग पर पकाएं, ऐसा नहीं कि आप आग को तेज कर दें
तो आपका खाना जल्दी पचता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी धीमी आंच पर आपका खाना पकेगा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। जितना आप धीमी आंच पर खाना बनाएंगे उतना टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं कि आप आग के अंगारे जला दो, वहां पर ज्वाला जला दो तो वहां पे खाना ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्ट बनेगा, ऐसा कतई नहीं। ये हमारे शेफ लोग क्या सुना रहे हैं गाइस, आज लाइफ में पहली बार खाना टाइम पे बनाया और शेफ को पता नहीं क्या हो गया, पहली बार टाइम पे खाना बनाया है। ये तो खुशकिस्मत ही है कि तुम लोग शेफ के हाथों से तुम्हें खाना मिल रहा है। हाँ, खींचना हमारा काम है। बेवफा चाय वाला, तुम्हारे चर्चे बहुत है, पता नहीं कितने के तो तुम्हारे वो हो गए हैं, व्यूज हो गए हैं। किसके? तुम्हारे बेवफा चाय वाली। ये है गाइस बेवफा चाय वाली, और इनसे मिलो। मैं आज अच्छा नहीं लग रहा, मैं हेयर स्टाइल वगैरह करके। कितना अच्छा लग रहा है देख। मैं आज जल्दी जल्दी में ना हेयर स्टाइल करके मेकअप तैयार करके। मेकअप तो ये चलते चलते कर लेता है। दाल बन चुकी है और राइस हमारे बन रहे हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देते हैं। बहुत ही पुरानी और बहुत ही दूर से आया हुआ हमारा एक बहुत दूर देशों से आया हुआ देश से आया हुआ हमारा ये है, पर इसे हम खाते तो जरूर है, पर हमारे खाना में बहुत साल पहले यहाँ पर आ गया था। लगभग ये अमेरिकन लोग, ब्रिटिश के लोग इसे बहुत ज़्यादा खाते थे, तो हम हमारे यहाँ पर भी इसे खाना चालू किया है। बहुत दूर से आया हुआ ये है ना सर, बहुत दूर का है ना सर। काम सर बहुत दूर है। ले जानु तो ये काम सर कम लो रहे।
के कानूनी हो तो गुरबा साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ और विदा होता हूँ आपसे। फिर किसी और एपिसोड में किसी और वीडियो में मैं मिलता हूँ।